स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रेडियंट किसी स्केलर फील्ड का निकालना चाहें तो इसके लिए हम कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पर, इफ फाई इज इक्वल दिस देन फाइंड ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पॉइंट 1, 2, -1। यहाँ पर जो हमने फाई के कोऑर्डिनेट्स लिए थे एक्स वाई जेड, ये यहाँ पर दिए हुए हैं 1, 2 और -1। इस पॉइंट पर इस फाई स्केलर फील्ड में हमें ग्रेडियंट निकालना है स्केलर फील्ड के लिए। तो देखो यहाँ पर फाई इज इक्वल हमारे पास दिया हुआ है 3x²y - y²z². अब अभी हमने फॉर्मूला अपना डिराइव किया था, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल होता है डेल फाई इज इक्वल आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। हम यहाँ पर फाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो आई कैप डेल बाय डेल एक्स इंटू 3x²y - y²z² प्लस जे कैप इंटू दिस प्लस के कैप इंटू दिस। जब हम इसका, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो फर्स्ट वाली टर्म का यहाँ से x² का 2x हो जाएगा तो 3 × 2 = 6xy, ये टर्म जीरो हो जाएगी। यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और थर्ड वाली टर्म में z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास में टर्म मिल जाती है आई कैप 6xy प्लस जे कैप 3x² - 2yz² प्लस के कैप -2y²z। जब हम यहाँ पर x, y, z की वैल्यूज पुट करते हैं x = 1, y = 2 और z = -1, तो हमारे पास में ग्रेडियंट ऑफ फाई निकल जाता है आई कैप इंटू दिस प्लस जे कैप इंटू दिस प्लस के कैप इंटू दिस, है ना। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू आ जाती है 12i - j + 8k। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे हमने बताया था कि किसी भी स्केलर फील्ड का जो ग्रेडियंट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसकी डायरेक्शन उस स्केलर फील्ड में जिस भी डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज हुआ है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है।